पांच दिनों से लगातार बारिश हो रही है और शिकार के लिए बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं भूख से मर जाऊंगा। किसी तरह जंगल में मेरा रास्ता छूट गया। मुझे सुबह तक कहीं छिपना है और अपने गांव वापस जाना है। अगर बारिश कुछ देर के लिए रुक जाती है तो कम से कम मैं पास के गांव में जाकर कुछ मुर्गी या बकरी चुरा सकता हूँ। ये बहुत परेशान कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इस रात को लोमड़िया और भेड़ियों से कैसे बचूंगा। मेरा शरीर डर और ठंड से कांप रहा है। कहीं बकरी मिमिया रही है। बकरी की मिमियाहट सुनकर मैं अपनी भूख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आहा, एक बकरी। अगर मुझे वो मिल जाती है तो मुझे अगले चार दिनों तक बारिश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा करके खा सकता हूँ। हे भगवान, एक लोमड़ी। इस जंगल के अंधेरे में मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, साथ ही दौड़ने के लिए ताकत भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? चार दिन तक भूखे रहने के बाद मुझ में शिकार करने की ताकत नहीं रही। मुझे बारिश में भीगने के बिना बकरी को यहाँ लाने का कोई तरीका सोचना होगा। अगर ये दौड़ता है तो मुझे जाकर शिकार करनी पड़ेगी। बकरी साहब, आप बारिश में भीग कर क्यों कांप रहे हो? ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप हमारी गुफा में आकर गर्मी महसूस कर सकते हो। बारिश बंद होने के बाद आप जा सकते हो। लगता है वो अच्छा नहीं है। मैं उस पर विश्वास करके उसकी गुफा में नहीं जा सकता। इसके अलावा मैं अब बचकर भाग भी नहीं सकता। लोमड़ी सर, आपके जेस्चर के लिए बहुत सारी मेहरबानी। जैसा कि आपने बताया, ये हमारी गुफा नहीं है, ये आपकी गुफा है। अरे, ये अलर्ट हो गया। अब से मुझे इसे सावधानी से निपटना होगा। कल तक वो मेरी गुफा थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा वो हमारी गुफा बन गई। तुम भी मेरे साथ बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकते हो। ऐसे ही दूसरों की मदद करना मेरा स्वभाव है। आप बहुत दयालु है लोमड़ी सर, लेकिन मैं यहाँ आराम से हूँ। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें खा लूंगा और उसके कारण तुम कांप रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और यहाँ आ सकते हो। नहीं, मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी बड़ा खरगोश खाया था और पेट भरा हुआ लग रहा है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो और यहाँ आ सकते हो। मैं अब इस लोमड़ी से बच नहीं सकता। अगर मैं बच भी गया तो हो सकता है कि मैं किसी दूसरे जानवर की चपेट में आ जाऊँ। बेहतर होगा कि मैं इस गुफा में गर्म रहूं और कोई प्लान बनाऊं। वो अब अंदर आ गया है, अब वो बच नहीं सकता। अगर एक हफ्ते तक बारिश नहीं होती है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुफा बहुत छोटी है और इसमें केवल एक ही बैठ सकता है। उसने बताया कि उसने अभी अभी खरगोश को खाया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत यहाँ नहीं दिखता। गुफा तो साफ है, उसने एंट्रेंस को ब्लॉक किया है। ऐसा लगता है कि मैं इस गुफा में फंस गया हूँ। मुझे अपना डर छुपाना चाहिए। लोमड़ी सर, आपने कहा था कि ये गुफा हमारी है, लेकिन ये हम दोनों के लिए बहुत छोटी है। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए ये कहा था। ये हमारी नहीं, मेरी गुफा है। तुम अब मेरे गुलाम हो, जो मेरे द्वारा फंसा दिए गए हो। इन शॉर्ट, आज रात तुम मेरा खाना हो। तुम मेरा वो खाना हो जो मुझे एक हफ्ता भूखा रहने के बाद मिल गया है। सर, कोई बात नहीं, आप मेरा शिकार कर सकते हो, लेकिन क्या आप जानते हो, आजकल मेरे गांव के सभी जानवरों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आप अक्सर उनमें से कुछ चुरा लेते हो। मुझे उसके बारे में सब पता है। क्या ये जानकर आपके मन में डाउट नहीं आया कि मुझे पिंजरे में नहीं, लेकिन इस जंगल में क्यों भगा दिया गया? क्या बिना बंदी बनाए जाने अनजाने ही जंगल में भगा दिए गए? क्यों? मुझे पिछले एक हफ्ते से बुखार और सर्दी हो रही है। इंसानों की तरह अब जानवरों को भी बोरोना नाम का इन्फेक्शन हो जाता है। मेरे मालिक ने सोचा कि मेरा बोरोना बाकी पिंजरे वाले जानवरों को हो सकता है और मुझे जंगल में भेज दिया। अरे बाप ने! बुखार और सर्दी के साथ मैं कांप रहा था और इस जंगल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, और उसी टाइम तुमने गुफा में बुला लिया। मैंने इसे गलती से कहा था, अब तुम चले जाओ। ये जानते हुए कि तुम मेरा शिकार करोगे, मैं यहाँ आया हूँ। इस बोरोना से अच्छा मैं शिकार में मर जाऊँ। प्लीज मेरी शिकार करो। मैंने उसे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसके साथ रहना बहुत खतरनाक है। मुझे किसी तरह उसे बाहर निकालना होगा। मैं तुम जैसे बोरोना पेशेंट के साथ नहीं रह सकता। तुम पहले बाहर निकलो। सर, आपने बताया कि ये हमारी गुफा है, अब तुम कह रहे हो कि ये आपकी गुफा है और मुझे बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। ये हमारी गुफा है सर, हम दोनों यहाँ रह सकते हैं। नहीं नहीं, तुम अभी गुफा से बाहर निकलो। मैं इस गुफा से बाहर क्यों निकलूं? मैं इस छोटी गुफा में एक बोरोना पेशेंट के साथ नहीं रह सकता। अब निकलोगे या नहीं? लोमड़ी सर, कल तक आपकी गुफा थी, जब आपने कहा ये हमारी गुफा है, ये रियल में हमारी गुफा बन गई। मैंने वो गलती से कहा था। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अब ये हमारी नहीं, मेरी गुफा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी गुफा से बाहर निकालने की? मैं तुझे गुफा से बाहर निकालूंगा और बारिश में भिक्षा रखूंगा।
आप डरो मत, अंदर आ जाओ सर, प्लीज मेरी गुफा से बाहर निकलो। भूख से मर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे गर्माहट में सोने तो दो। पहले मुझे बाहर निकलने का ऑर्डर दिया, अब रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप तो इन्फेक्शन से लड़ना है, पेशेंट से नहीं। प्लीज, मैं रात भर इस बारिश और कपकपी को सहन नहीं कर सकता। सर, आज रात में यही रुकूंगा और कल सुबह चला जाऊंगा। बेहतर होगा एक हफ्ते तक आप इस गुफा का इस्तेमाल न करें, बाद में ये आपकी ही गुफा है। तुम इस जंगल में ही रहोगे, है ना? भले ही तुम बोरोना से बच जाओ, तुम मुझसे नहीं बच सकते। जिस दिन मैं तुम्हारी शिकार करूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। हम भी देखेंगे रियल में कैसे होता है। बाय सर।